मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोयता लेकर पूरे शहर में डर का माहौल बनाने वाले दो युवकों को पुलिस ने ही रोड पर सबक सिखाया है। इस पूरे काम के लिए पुलिस की काफी चर्चा और सराहना भी हो रही है। मामला महाराष्ट्र के अंबे गांव के सिंहगढ़ का है, जहां बुधवार की रात में दो युवक हाथ में कोयता लेकर लॉ कॉलेज के इलाके में घूम रहे थे और इस दौरान दोनों युवकों ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की, दुकान में भी तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, युवक हथियार लेकर दुकानों के अंदर घुस रहे हैं, दुकान बंद कराने की धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि कई नागरिकों पर इन लोगों ने हथियार से वार करने की कोशिश भी की है। पूरे इलाके में लोग डरे सहमे से थे। हालांकि इसी दौरान सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन के दो पुलिसकर्मी अक्षय इंगले और धनंजय पाटिल गश्त पर थे, तभी कुछ युवकों ने इन्हें जानकारी दी कि दो युवक इस इलाके में दहशत फैला रहे हैं और दोनों युवक इलाके में जो है दहशत का माहौल फैला ही रहे थे। तभी पीछे से ये दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रोड पर दौड़ाकर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया है। और वहीं उसी इलाके में रोड पर जिस इलाके में ये दादागिरी कर रहे थे, वहीं पर इन्हें इस युवक को जो है पुलिस ने सबक सिखाया। हालांकि सोशल मीडिया में तमाम वीडियो वायरल हो रही है और पुलिस की काफ़ी तारीफ भी हो रही है, और यहां तक कि नगर सेविका मनीषा राजा भाऊ कदम ने इन दोनों पुलिसकर्मियों को शॉल ओढ़ाकर फूलों का गुलदस्ता देकर इनका सम्मान सत्कार किया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक एक युवक को पुलिस ने जरूर पकड़ लिया है, लेकिन एक फरार है, उसकी तलाश जारी है और इस पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आम्ही वडगाव बिटिंग मार्शल ड्यूटीस असताना माझ्यासोबत इंगवले हे आम्ही दोघे कॉलेज सिंहगड कॉलेज कॅम्पसमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना काही कॉलेजची मुले धावत आमच्यापाशी आले व सांगू लागले की कॉलेज लॉ कॉलेज समोरच्या लेनमध्ये काही मुले कोयता घेऊन दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। तेव्हा आम्ही तात्काळ त्यांच्यासोबत गेलो तिथे, तर एक मुलगा हातात कोयता घेऊन दुकान फोडून पळत जात असलेला दिसला। तेव्हा मी व माझ्यासोबत असलेले इंगवले यांनी आम्ही त्यांचा पाठलाग केला, त्याला पकडले व भारतीय विद्यापीठ पोलीस स्टेशन यांच्या ताब्यात दिलेलं आहे।